क्या कहीं बाजार ये अंदेशा रख रहा है कि ठीक है, अभी तक तो सब तरफ से लग रहा है कि भाई दोनों खेमे जो एग्रेशन दिखा रहे हैं वो कंट्रोल्ड एग्रेशन है, मतलब मार दूंगा मार दूंगा, मर जाऊंगा मर जाऊंगा, वो वाली जवानी जुमा खर्च तो खूब हो रही है, लेकिन उसके बाद फिर मतलब एक्शन पॉइंट पे बहुत रेस्ट्रेन है, बहुत नियंत्रण है। तो क्या इससे बाजार को भरोसा मिल रहा है, या अंदर खाने कहीं ये डर रहेगा कि नहीं, पता नहीं ऐसी स्थितियों में कब कौन सी चिंगारी कहाँ भड़क जाए। तो मैं थोड़ा सा न्यूज़ क्लिपिंग समझने की कोशिश कर रहा था। ये तो जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो इतनी स्टेबिलिटी नहीं होती कि हर चीज़ को प्रॉपर फॉलो किया जा सके। तो मैंने न्यूज़ क्लिपिंग्स को अगेन समझने की कोशिश की कि एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे इसराइल ईरान में चल क्या रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि न्यूज़ थोड़ा सा और मॉड्यूलेटेड होना चाहिए, वेल मॉड्यूलेटेड होना चाहिए, बिकॉज कई सारी बातें सामने आई जिसको न्यूज़ में आप दिया गया और बाद में ईरान की तरफ से भी खंडन हुआ। तो इसमें होता क्या है कि मार्केट जो है ना वो न्यूज़ सुनता है और उसके कारण घबराता है। तो मार्केट का जो इंस्टेंट रिएक्शन होता है वो घबराहट का ही होता है। यहाँ पे पहला मार्केट ने ये फैक्टर किया जो न्यूज़ क्लिपिंग्स मैंने देखे उसके हिसाब से कि भाई पहले हुआ था इसराइल रिटेलिएट नहीं, अरे इसराइल रिटेलिएट नहीं करेगा, ईरान भी यहाँ पे रुक जाएगा। उसके बाद ईरान इसराइल ने मिसाइल मार दिया है, यहाँ यहाँ मार दिया है, ईरान ने कहा मिसाइल चल ही नहीं है, हमने रोक लिया है, जरूरत ही नहीं है आपको न्यूज़ प्रीएम्प्ट करने की मीडिया वाले भाई, आप होने दीजिए, जो होगा अपने आप सामने आ जाएगा। मार्केट घबरा जाता है सिर्फ एक गेस न्यूज़ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट किसी भी तरह का नेगेटिव न्यूज अगर फ्लैश होगा 100% घबराएगा, बिकॉज मार्केट ऊपर लेवल पे है। जी लेकिन अगर उसमें जेन्युइनिटी नहीं दिखेगी, मार्केट आपका स्टेबलाइज होना शुरू। जी तो मान लीजिए सुमेश कि मिसाइल चली और ईरान मना कर रहा है, तो इसको भी एक ऐसे ही सॉफ्ट संकेत के रूप में लेना चाहिए कि भाई ईरान भी चाहता है कि भाई बहुत ज्यादा ना मचे, जैसे यहाँ पे एयर स्ट्राइक हुई थी या सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, लोगों ने कहा नहीं कुछ हुआ ही नहीं, कोई आया ही नहीं, कौवा मरा या चील मरा या पता नहीं पेड़ पे गिरा, वैसा ही कुछ चल रहा है क्या। राजीव जी, ये ना वॉर, उसको छोटी लड़ाई, एक ह्यूमन बिहेवियर होता है। आप उस ह्यूमन बिहेवियर को रीड कीजिए, कोई भी इंसान लड़ाई नहीं चाहता है, बिकॉज पता है कि दो मुक्के वो खाएगा, तीन मार सकता है, दो वो भी खाएगा, एक तो कम से कम खाएगा, एक मुक्के में भी चोट तो लगेगी। अब जो नेशंस लड़ाई करते हैं, ये भी कलेक्टिव ह्यूमन बिहेवियर है ना। अब वहां पे एक की जगह आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो आपके लिए लड़ाई करते हैं, आपके पास बहुत सारा हथियार है, सामान है जिससे आप लड़ाई करते हैं, लेकिन सोचने वाला दिमाग तो वही है ना। हर इंसान जानता है कि चाहे वो लड़ाई दो लोगों के बीच में हो या दो देश के बीच में हो, हताहत होते हैं लोग, कोई नहीं चाहता कि जान माल का नुकसान हो, सभी चाहेंगे लड़ाई नहीं। लेकिन अब यही है बात कि कोई कोई उंगली करे तो कभी कभी थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट के हिसाब से या कभी कभी ईगो के हिसाब से लड़ाई हो जाती है, लेकिन चाहने के लिए 100% एक एक देश चाहेगा, एक एक देश चाहता है, हर इंसान चाहता है कि वॉर हो ही नहीं, लड़ाई हो ही नहीं। लेकिन सच तो ये है कि प्रॉक्सी वॉर, छिटपुट वॉर चल ही रहे, वो चलते रहे। जी